हेलो फ्रेंड्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स चैप्टर 2 राजा एंड मनी के क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो बोथ ऑफ देम, हम जानते हैं ये मनी है और जो पुलिस की ड्रेस में है वो राजम है। पहला क्वेश्चन है हु वाज राजम, व्हाई वाज मनी एंग्री विथ हिम, कि राजम कौन था और मनी उससे एंग्री या गुस्सा क्यों था। राजम वॉज अ न्यू स्टूडेंट, राजम एक नया स्टूडेंट था। ही वॉज अ सन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, स्वामी एडमायर यानी स्वामी उसकी प्रशंसा करता था राजम की, एंड वॉज मच इम्प्रेस, उससे काफ़ी इम्प्रेस था वो, है ना। उसका केयर फ्री कंडक्ट जो था, मैनर्स जो था, उसकी ब्रिलियंस इन स्टडी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, तो बहुत स्वामी उसकी केयर करता, स्वामी उसको बहुत पसंद करता था। ऑन द वेरी फर्स्ट डे राजम हैड इम्प्रेस हिम बाय हिज नॉन चैलेंज, यानी कि जब स्वामी को ऐसा लगा, जब पहले दिन उसने राजम को देखा तो उसका जो स्वभाव था, उसका जो तरीका था, वो स्वामी को पहले ही दिन इम्प्रेस कर गया था। ही ड्रेस वेरी वेल, अच्छी ड्रेस पहनता था वो, अकेला ऐसा लड़का था जो क्लास में सॉक्स और शूज़ पहनता था, कैप लगाता था, टाई लगाता था, कोट और निकर पहन के आता था। तो वो स्कूल कार से आता था, है ना, वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट भी था, और ये कहा भी जाता था कि वो इंग्लिश बॉयज़ स्कूल से, मद्रास के किसी बड़े स्कूल से आया है। ये स्पोक वेरी गुड इंग्लिश, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता था, और एग्जैक्टली लाइक यूरोपियन, यूरोप के लोगों की तरह, इन मद्रास, सॉरी, ही अज्यूम्ड अ सर्टेन नॉन चैलेंज टू विच मनी वॉज नॉट अकस्टम्ड टू। इसका मतलब वो एक ऐसा सरदर्द बन के उभरा था जिसकी तैयारी मनी ने पहले से नहीं कर रखी थी। मनी को नहीं लगता था कि कोई उसे ऐसे टक्कर देगा। अगर मनी ओवरलॉड था क्लास का तो राजम भी उससे कम नहीं था। और इन सब के अलावा राजम वॉज अ रेगुलर 70%, राजम रेगुलर 70% लाने वाला बच्चा था, सिर्फ शंकर के अलावा सेकेंड नंबर पे। ये सारे इंडिकेशंस ये बताते थे कि राजम वॉज अ न्यू पावर इन द क्लास, राजम क्लास में नई पावर था। डे बाय डे एज मनी लुकड ऑन, जैसे जैसे मनी दिन ब दिन देखता चला जाता था, इट वॉज बिकम इंक्रीजिंगली क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था, साफ हो रहा था कि एक नया सरदर्द उसकी लाइफ में आ चुका था, मनी की लाइफ में आ चुका था, जिससे मनी को जलन हो रही थी। मनी ने क्या डिसाइड किया राजम के साथ करने को? मनी डिडंट लाइक राजम, हम सभी जानते हैं मनी राजम को पसंद नहीं करता था। राजम मेड अ गुड इम्पैक्ट इन क्लास, राजम ने क्लास में अच्छी छवि बना ली थी, एंड ऑल्सो इन स्कूल, और स्कूल में भी। मनी ग्रू जेलस ऑफ हिम, मनी को उससे जलन होती थी। सो मनी वॉन्टेड टू बंडल हिम इन टू द रिवर टू द क्रेक हिज शोल्डर विथ हिज क्लब, तो मनी अपना जो गदा था उससे उसके दोनों कंधों को तोड़कर उसे बंडल बनाकर नदी में फेंक देना चाहता था। मनी वांटेड टू हैव अ ड्यूल विथ राजम, मनी चाहता था कि एक हाथ ना बिल्कुल हाथों हाथ लड़ाई हो जाए, यानी कि जो दोनों हाथ पैर से लड़ाई लड़ लें। ही वॉज रेजिंग इन एंगर, वो गुस्से में क्रोध में जल रहा था, एंड वॉन्टेड टू ब्रेक हिज बोन्स, और उसकी हड्डियाँ तोड़ना चाहता था, सॉरी, और उसकी हड्डियाँ तोड़ना चाहता था। हाउ डिड स्वामीनाथन रिएक्ट व्हेन मनी टोल्ड हिम अबाउट हिज इंटेंशन, स्वामीनाथन ने कैसा रिएक्शन दिया जब मनी ने उसे अपने इरादों के बारे में बताया। व्हेन स्वामी केम टू नो अबाउट मनीज प्लान, जब स्वामी को मनी का प्लान मालूम पड़ा, ही वॉन्ट हिम टू बी केयरफुल, उसने चेतावनी दी कि केयरफुल रहें। फॉर राजम्स फादर वॉज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्योंकि राजम के जो पिताजी थे वो क्या थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, एंड द पुलिस आर एन ऑफुल लॉट, और पुलिस बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है, डरावनी चीज़ होती है। However, मनी did not care for all, लेकिन मनी ने इन सब की परवाह नहीं करी, and was determined to put the vile upstart down, और वो चाहता था कि वो जो करना चाहता है वो उसको राजम को सबक सिखाना चाहता था। अगला क्वेश्चन है स्वामीनाथन ब्रोक इन टू प्रोटेस्टेशन, लाउड प्रोटेस्टेशन, वाट वर द प्रोटेस्टेशन। जब मनी स्वामी से कहता है कि मैंने तुझे भी आसपास घूमते हुए देखा है, तो स्वामी ने इस बात को विरोध जताना चाहा, वो विरोध क्या था? स्वामी ब्रोक इन टू लाउड प्रोटेस्टेशन एज मनी थॉट दैट स्वामी एंड राजम आर गेटिंग फ्रेंडलियर। स्वामी को अपना जो विरोध जताना पड़ा जब उसे मनी ने कहा कि वो दोनों दोस्त बन रहे थे राजम और स्वामी। हाउ एवर दिस वॉज नॉट ट्रू, हालांकि ये बात सही नहीं थी। स्वामी डिड नॉट ट्राई टू टॉक टू हिम, स्वामी ने उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, बट राजम केम टू हिम आस्किंग फॉर अ शार्पनर, वो बताता है कि राजम खुद शार्पनर लेने आया था। स्वामी ने ना केवल उसको जवाब अच्छे से नहीं दिया, इवन आज राजम है ना, स्वामी ने उसे जवाब भी ढंग से नहीं दिया। मनी इज एनिमी टू गेट इट फ्रॉम द शॉप, है ना, और उसने राजम जो कि मनी का दुश्मन था उसे कहा कि जाके वो शॉप से ले ले। स्वामी डिड नॉट लाइक दैट मनी डाउटेड हिज सिंसियरिटी इन फ्रेंडशिप, स्वामी को ये पसंद नहीं आया कि मनी उसकी सिंसियरिटी पर शक कर रहा है ना, इसलिए उसने प्रोटेस्टेशन यानी कि विरोध जताने की कोशिश की। Why did Swami, Mani and Rajam go to secluded
स्पॉट, वो एक एकांतवास में खाली जगह पे क्यों गए थे सारे तीनों के तीनों, वेयर कोर्स ऑफ एक्शन डिड दे डिसाइड टू डू फॉर द नेक्स्ट डे, और उन्होंने आखिर जाके वहाँ पे क्या तय किया कि अगले दिन वो क्या करने वाले हैं। एज सून एज द डेज वर्क वॉज ओवर स्वामी मनी एंड राजम वेंट टू सेक्लूडेड स्पॉट टू सेटल मैटर्स। जब सारे काम ख़त्म हो गए स्कूल के, तो सारे तीनों के तीनों जो हैं वो एक एकांत स्थान पर गए ताकि वो मामले को सुलझा सके। स्वामी अगेन एक्टेड एज अ कॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, वहाँ पे स्वामी ने बीच का जो कम्युनिकेशन का काम है वो वहाँ पर किया। ठीक है, वॉट डिड मनी थिंक वाइल ही वॉज सिटिंग एट द बैंक ऑफ रिवर, है ना, विथ स्वामीनाथन वेटिंग फॉर राजम। जब राजम का वेट चल रहा था अगले दिन, तो मनी वहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहा था। वाइल सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रिवर मनी वॉज स्क्वेटिंग ऑन द सैंड विथ स्वामी, वो रेत पर टहल रहा था स्वामी के साथ में। देवर साइलेंट, दोनों चुप थे। मनी वॉज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, मनी जमीन को देख रहा था विद अ स्मॉल वुडन क्लब अंडर हिज आर्म, और अपने साथ वो गदा रखे हुए था। ही वॉज थिंकिंग टू ब्रेक राजम सेट, वो राजम का सर फोड़ने का सोच रहा था। इन अ शॉर्ट वाइल, जब ऐसी वो आएगा एंड थ्रो हिज बॉडी इन टू द रिवर, और वो चाहता था कि उसकी नदी में उसकी लाश को फेंक दिया जाए। ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग वॉट वुड हैपन इफ राजम्स बॉडी वॉज फाउंड, वो ये भी सोच रहा था कि अगर राजम की बॉडी मिल गई तो क्या होगा। इफ़ ही वुड कम टू टेक रिवेंज एज अ स्पिरिट, क्या राजम एक आत्मा के रूप में लौटेगा और उससे बदला लेगा। ही थॉट टू टीच हिम अ लेसन इवन देन, तो वो कहता है कि मैं उसको तब भी सबक सिखा दूंगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड मनी राजम इंस्टेड ऑफ फाइटिंग बिकम फ्रेंड्स। मनी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है कि ये लड़ने के बजाय दोस्त कैसे बन गए। इट वॉज एट लास्ट एग्रीड दैट दे वुड मीट द नेक्स्ट इवनिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर नियर नलप्पा ग्रोव, नलप्पा का जो बगीचा था, खे आम का जो बगीचा था, उसके पास में तय हुआ था कि सरायू नदी पर उसके किनारे मिलेंगे अगले दिन। अकॉर्डिंगली मनी केम टू द प्लेस विद क्लब्स एंड राजम केम आउट विद द एयर गन, और अगले दिन वहाँ पर मनी अपने गदा के साथ आ गया जबकि राजम गन के साथ आया था। वेन मनी पॉइंटेड आउट दैट ही शुड नॉट हैव ब्रॉट द गन, जब मनी ने यह आपत्ति ली कि उसे गन नहीं लाना चाहिए थी, ये तो हाथों हाथ हाथ से लड़ी जाने वाली फाइट थी, राजम ने भी कहा कि क्लब को लाने की भी बातचीत नहीं हुई थी। बोथ द एयर गन एंड द क्लब्स वर देन डिस्पेंस्ड विथ, फिर दोनों को ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि क्लब, जो क्लब था यानी कि गदा थी उसको भी गिरा दी गई, और फिर जो राजम गन लाया था उसको भी हटा दिया गया। द कंप्लेंट्स विच दे हैड अगेंस्ट ईच अदर, जो एक दूसरे से लेकर शिकायतें थी उनको सुना गया, और उनको फिर हॉटली डिनाइड यानी कि मना कर दिया गया कि नहीं मैंने ऐसा तेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। द अपशॉट वॉज दैट द टू सडनली डिसाइडेड टू बी फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों ने यह तय किया कि वो दोनों दोस्त बनेंगे। क्वाइट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रीडर्स, जो कि रीडर्स को लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा। दिस कंक्लूजन वॉज मच टू द रिलीफ ऑफ स्वामी, इससे स्वामी को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली थी, फॉर ही एडमायर राजम एंड वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विथ हिम, क्योंकि वो राजम की काफ़ी प्रशंसा करता था और उसका दोस्त बनना चाहता था। एज अ साइन ऑफ गुडविल राजम ऑफर्ड सम बिस्किट्स एंड मनी ग्लेडली एक्सेप्टेड देम, और गुडविल के रूप में राजम क्या लेकर आया था, बिस्किट लेकर आया था, और मनी ने उस बिस्किट्स को स्वीकार भी कर लिया। अब हमारे 150 वर्ड्स वाले आते हैं बड़े, वाट वर द रीजंस ऑफ एनिमिसिटी बिटवीन मनी एंड राजम, मनी और राजम के बीच की दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण क्या था। राजम वॉज अ न्यू स्टूडेंट टू द क्लास ऑफ स्वामीनाथन, राजम एक नया स्टूडेंट था स्वामी की क्लास में। ही वॉज अ सन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो SP का बेटा था, अच्छी ड्रेस पहनता था, अच्छे मैनर में आता था, शूज सॉक्स और टाई पहनता था, कार से आता था, है ना, और बिल्कुल जो वेल बिल्ट जिसे कहा जाता है, है ना, वो उस तरह से स्कूल में आता था। ऑन द फर्स्ट डे एट स्कूल ही केम एंड वॉकड अप टू द लास्ट बेंच एंड सेट बिसाइड मनी एंड फेल्ट वेरी कम्फर्टेबल, ये हमने पहले भी चर्चा की कि वो आखिरी दिन, वो पहले दिन आता है मनी के पास बैठता है, कम्फर्टेबल महसूस करता है जब तक मनी उसे मारता नहीं है, है ना, जो कि उसने भी रिटर्न में वो मारता है, है ना, उसने पूरी क्लास को पहले दिन इम्प्रेस कर दिया था और वो स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी कर सकता था, है ना। बाय दैट टाइम मनी वॉज द बॉस, उस समय तक मनी बॉस था क्लास का और उसके सामने कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन राजम मनी का राइवल बन के आया, दुश्मन बन के आया। एंड इन हिज मैनर टू मनी ही अज्यूम्ड अ सर्टेन नॉन चैलेंज टू विच मनी वॉज नॉट अकस्टम्ड, हमने पहले भी पढ़ा है
और इसके नीचे का पार्ट हमने वह जो क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा है वो वैसा का वैसा ही है कि मनी और वो जो है लड़ना शुरू करते हैं, राजन पढ़ने में भी अच्छा था। तो ये जो ऊपर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको जब लार्ज में लिखने को आए तो आपको दो क्वेश्चनों को मिक्स करके उसे शॉर्ट करना होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें आप, है ना। डिस्पाइट देयर फ्रेंडशिप स्वामी वॉज अफ्रेड ऑफ मनी, दोस्ती के बावजूद स्वामी मनी से डरता था। ऐसे कौन कौन से चैप्टर में इंसिडेंट आए हैं जहां आपको ये पता चले कि स्वामी काफ़ी डरता था मनी से। मनी एंड स्वामी वर गुड फ्रेंड्स, मनी और स्वामी अच्छे दोस्त थे। स्वामी हैड रिस्पेक्ट फॉर मनी, स्वामी भी मनी की काफ़ी रिस्पेक्ट करता था। मनी वॉज द हीरो फॉर ही वॉज वेल बिल्ट एंड वॉज एबल टू डू एनी थिंग विच वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन फॉर मैनी। मनी ताकतवर था शरीर से और वो सब कुछ कर सकता था जो किसी की कल्पनाओं से परे हो उस क्लास के बच्चों के, है ना, क्योंकि वो ताकतवर था, लंबा चौड़ा था। ही कुड ब्रेक नेक ऑफ एनी वन विथ हिज क्लब्स, वो गधे से अपनी किसी की भी गर्दन तोड़ सकता था। स्वामी टर्न्स एंग्री विथ हिम व्हेन ही बिगिंस राइवलरी विथ राजा, है ना। स्वामी की जो दोस्ती है वो दुश्मनी में कब बदली, वो गुस्से में कब बदली मनी की, जब वो राजम के साथ क्या कर रहा था, दुश्मनी कर रहा था, है ना, कौन, मनी। स्वामी लाइक्स राजम, स्वामी को काफ़ी पसंद था राजम, उसकी क्वालिटीज़ पसंद थी। मनी डजेंट लाइक राजम, मनी को राजम पसंद नहीं था, बिकॉज ही अपीयर्स टू बी अ चैलेंज फॉर हिम, क्योंकि वो उसके लिए एक चैलेंज के रूप में था। मनी डिसाइड टू बंडल राजम इन टू द रिवर, मनी ने डिसाइड किया कि राजम को वो नदी में फेंक देगा, उसके कंधे तोड़ देगा अपने क्लब से। स्वामी वॉन्ट्स हिम टू बी केयरफुल, स्वामी ने उसे कहा कि तुम केयरफुल रहना, है ना, और उसके लताजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। मनी शोड रेलिक्टेंट, रेलिक्टेंस का मतलब होता है ना इच्छा, है ना, और स्वामी को उन्होंने प्रोटेस्ट, स्वामी क्राइड इन प्रोटेस्टेशन, स्वामी रोने लगा प्रोटेस्टेशन में, जो मनी के लिए सरप्राइज था, है ना। हाउ वॉज द शो डाउन बिटवीन मनी एंड राजम फिक्स, हु वॉज द कॉड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम, स्वामी और राजम के बीच में कैसे वो सब घटनाक्रम घटा, मनी और राजम के बीच में वो कैसे घटनाक्रम घटा, और स्वामी का कॉड ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में क्या काम था, या फिर कौन बना कॉड ऑफ कम्युनिकेशन। इन ऑर्डर टू सॉल्व द एनिमोसिटी बिटवीन राजम एंड मनी, राजम और मनी के बीच की दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए स्वामी जो है वो मनी और राजम के बीच में क्या बना था, कॉड ऑफ कम्युनिकेशन बना था। स्वामी एक्टेड एज अ कॉड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द टू, आफ्टर एक्सचेंजिंग सम यूनिट्स ऑफ मैसेजेस, कुछ हाथ से लिख लिख के मैसेज एक्सचेंज हुए थे, फिर वो दे फाइनली केम टू द पॉइंट टू प्रूव दैट माइट एट द रिवर नलप्पा'स ग्रोव, उन्होंने तय किया कि अगले दिन नलप्पा के जो बगीचा है उसके किनारे, नदी के किनारे लड़ाई होगी, है ना, ये पूरा उसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, डिस्क्राइब द एनकाउंटर बिटवीन मनी एंड राजम एट द रिवर विच टर्न द एनिमोसिटी इनटू फ्रेंडशिप, वो पूरा घटनाक्रम आपको बताना है जहाँ पर इनके बीच में दुश्मनी होती है और फिर वो दोस्त बन जाते हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूँ कि हमने ऊपर जो दो क्वेश्चन करे थे, एक जो ये हमने हम देखते हैं, है ना, वापस से जाकर कि एक तो राजम था कौन, है ना, तो वो पूरा घटनाक्रम आ जाएगा, राजम था कौन, ठीक है। उसके बाद ये why did Swaminathan, Mani and Rajam go to secluded spot, इसको, है ना, और ये क्वेश्चन नंबर 6 को अगर अपन मिक्स कर देंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो सबसे लास्ट का है वो मिल जाएगा, है ना। एक बार हम पढ़ भी देते हैं उसको, ठीक है। ऑन द फिक्स्ड डे मनी केम टू द प्लेस, बिल्कुल फिक्स दिन जब हुआ था मनी वहाँ पे स्थान पर आ गया। विथ हिज क्लब एंड राजम केम विथ एयर गन, मनी क्लब के साथ आया, राजम एयर गन के साथ आया। व्हेन मनी पॉइंटेड आउट दैट ही शुड नॉट हैव ब्रॉट द गन, जब मनी ये बताता है कि उसे गन नहीं लाना चाहिए थी क्योंकि ये तो हैंड टू हैंड फाइट थी, राजम पॉइंट करता है कि ही ought नॉट हैव ब्रॉट हिज क्लब्स, कि उसे भी अपने क्लब नहीं लाना चाहिए थे। बोथ द एयर गन एंड द क्लब्स वर देन डिस्पेंस, फिर उन दोनों चीज़ों को गिरा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। विद द कंप्लेंट्स विच दे हैड अगेंस्ट ईच अदर विच वर रिकाउंटेड एंड हॉटली डिनाइड, एक दूसरे के खिलाफ जो शिकायतें रहती हैं वो दूर हो जाती हैं, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं ऊपर, है ना, तो वो उन्हीं को मिक्स करना है। द अपशॉट वॉज दैट द टू सडनली डिसाइडेड टू बी फ्रेंड्स, और फिर अचानक ही दोनों तय करते हैं कि वो दोस्त बनेंगे। क्वाइट अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स, जो कि दूसरे लोग सोच नहीं रहे थे, सेम पढ़ चुके हैं हम। दिस कंक्लूजन वॉज मच टू रिलीफ टू स्वामी, ये कंक्लूजन स्वामी को शांति देता है। फॉर ही एडमायर्ड राजम एंड वॉन्टेड टू फ्रेंड्स विथ हिम, क्योंकि वो राजम की प्रशंसा करता था, उसका दोस्त बनना चाहता था। एज अ साइन ऑफ गुडविल राजम ऑफर्ड सम बिस्किट्स एंड मनी एक्सेप्टेड देम, मनी को राजम की तरफ से कुछ बिस्किट दिए जाते हैं, मनी एक्सेप्ट कर लेता है।
देन द थ्री ऑफ देम बिकम क्लोज फ्रेंड्स, और वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड बिकम पार्ट ऑफ ईच अदर्स इनर सर्कल, और फिर उनका एक इनर सर्कल बन जाता है जहाँ पर वो उनका झुंड बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, और वो उसी के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं. सो दैट्स ऑल द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम सेकेंड चैप्टर टू. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.